चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिमालयन रेंजेस। देखिए हिमालयन रेंजेस की उत्पत्ति हमारी कैसे हुई, उस चीज पर आने से पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि हिमालयन रेंजेस मतलब हम लोग कहाँ की बात करने जा रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपके सामने हिमालय रेंज को प्रस्तुत करता हूँ। सर नीड योर सपोर्ट ऑन 25th ट्विटर कैंपेन। क्या सपोर्ट चाहिए बताइए, क्या सपोर्ट चाहिए? पिछली बार सपोर्ट किया था मैंने, क्या हुआ था? जब मैं आऊंगा तो फिर गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए देख लो आप लोग, चल रहा है तो चलने दो। अरे आते ही गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी, पिछली बार भी तो यही हुआ था। ट्विटर कैंपेन से हट के केवल मेरा ही कैंपेन रह गया था। वही कह रहा हूँ, तो देखते हैं। बट हाँ नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कुछ बोलूँ ना। आप लोग बोल रहे हो, आता हूँ। ठीक है, आता हूँ, लेकिन जो बात मुझे आपसे कहनी है वहीं पे कह दूंगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए बात हम लोग करने जा रहे हैं हिमालयन रेंजेस की। हिमालयन रेंजेस पता है कहाँ पर है? नक्शे पर देखो भारत के, हिमालयन रेंजेस ये हैं। जितनी भी आपकी है येलो पोर्शन में कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड हिमालयन रेंजेस। इस तरीके से बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, और ऐसे करके आगे की तरफ ये निकल जाएंगी, और इस तरीके से ये भारत के नक्शे में नीचे की तरफ भी आ जाती है। जितना भी आपको येलो रंग का जितना भी आपको पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड हिमालयन रेंजेस। अब ये जो हिमालयन रेंज है, इसकी उत्पत्ति ऐसे हुई क्यों? इसकी उत्पत्ति इसलिए ऐसे हुई क्योंकि आप जरा इसको ध्यान से देखिए। ये जो आपको गोल दिख रही है हमारी अर्थ ही है, इसमें जितना भी आपको ब्लू कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये सब वाटर है। क्या है? वाटर, पानी। और जितना भी ऊपर और नीचे आपको ग्रे कलर का ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये इस सबको पेंजिया बोलते हैं। क्या बोला गया? पेंजिया। पेंजिया है क्या? नॉर्मल भाषा में आप इसे बोले तो ये लैंड है, जमीन है। बात आई समझ? अब हुआ क्या यार कि ये एक दिन की बात नहीं है, दिस इज अ कंडीशन ऑफ ऑलमोस्ट 70 मिलियन ईयर्स। करीब 70 मिलियन सालों की ये रिएक्शन है, या फिर आप बोल सकते हो 70 मिलियन साल पुरानी जियोग्राफिकल रिएक्शन है, जिसकी वजह से इसकी उत्पत्ति हुई। आखिर ऐसा हुआ क्या? देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें ये जो ऊपर वाली लेयर है ये तैर रही है पानी में, लेकिन ये जो नीचे वाली लेयर है डूबी हुई है पानी में एक तरीके से। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि धीमे धीमे होता यह है कि ये जो नीचे वाला पेंजिया है, ये नीचे वाला पेंजिया अपनी प्रॉपर्टीज लूज करने लगता है, और लूज करके ऊपर की तरफ इस तरीके से उठने लगता है पानी में, धीमे धीमे ऊपर की तरफ आने लगता है। सेम उसी तरीके से जैसे कि आप पानी में इनो डालते हो और वो इनो के बुलबुले नीचे से ऊपर की तरफ आने लगते हैं, या कोल्ड ड्रिंक डालते हो तो कोल्ड ड्रिंक के बुलबुले नीचे से ऊपर की तरफ आने लगते हैं, या फिर आप कोई भी चीज ऐसी आप डालते हो, जैसे आपने पेन पानी में ऊपर से फेंका तो छपाक से गिरा पेन, पहले वो पेन नीचे जाता है और नीचे जाने के बाद धीमे से ऊपर आ जाता है और सुपरफिशियल तरीके से ऊपर तैरने लगता है। ये सेम उसी तरीके का रिएक्शन है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, वाटर के अंदर जाने के बाद धीमे धीमे कोई भी चीज हो वो अपनी प्रॉपर्टी लूज करने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर टाइटैनिक कब डूबा था? लेकिन आज की डेट में हम टाइटैनिक को खोज चुके हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे हैं टाइटैनिक को। क्यों नहीं निकाल पा रहे? उसमें लगा हुआ जितना भी लोहा था, जितना मेटल था, जितना दूसरा मटेरियल था, वो सारा मटेरियल आज की डेट में सड़ चुका है। सड़ चुका है मतलब ये कि वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर चुका है, खराब हो चुका है, डेड हो चुका है। आज की डेट में हमारे पास कोई ऐसी टोइंग मशीन नहीं है कि जिससे हम उसको ऊपर टो करके लाएंगे और वो पूरा का पूरा टो होके आ जाएगा, क्योंकि वो इतना वजन है उसमें, हम उसको टो करेंगे तो उसका वही पार्ट टूट के आ जाएगा ऊपर। इस वजह से अब हम उसको नीचे ही रख के शोध करना चाहते हैं। इसी तरीके से ये जो पेंजिया है, पेंजिया का मतलब क्या है? लैंड है, जमीन है, और जमीन में हमेशा ध्यान रखना कोई भी एक क्रस्ट होता है जमीन का, चाहे आप ऐसे मान लो कि समुद्र के जो नीचे वाली तली होगी, क्या उसमें वनस्पति नहीं होंगे? क्या उसमें पेड़ पौधे नहीं होंगे? क्या उसमें जीव जंतु नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, इसी को तो हम लोग मरीन लाइफ बोलते हैं। उसके अंदर अपनी एक दुनिया है, समुद्र के निचले हिस्से में अपनी एक दुनिया है। उसी तरीके से ये वाला जो पेंजिया था, इसकी अपनी दुनिया हुआ करती थी, ये एक लैंड हुआ करती थी जिसमें खनिज लवण वनस्पतियां सब कुछ हुआ करता था, रॉक मेटल सब कुछ हुआ करता था, चट्टाने भी थे इसमें और मिनरल्स भी थे इसमें, सब कुछ था, सोना चांदी हीरे जवाहरात लोहा टिन जस्ता सब कुछ था आपका। धीमे धीमे करके प्रॉपर्टी अपनी लूज करने लगता है, जब ये लूज करने लगता है तो नीचे वाला जो ये क्रस्ट है ये ऊपर आने लगता है पानी के। इसी तरीके से जैसे कोई भी चीज अपनी प्रॉपर्टी लूज करती है तो ऊपर की तरफ आना शुरू करती है। अब देखो एक तरीके से अगर आप देखो तो इनका शेप देखो, जब आप इनका शेप देखोगे पेंजिया का पूरे, तो देखिए ऐसे बना हुआ है शेप,
यूं, मतलब कहने का कि ये किसी क्रोकोडाइल के मुंह की तरह बना हुआ है ऐसे। जब ये क्रोकोडाइल के मुंह की तरह बना हुआ है तो ये तो ऊपर वाला हो गया भाई, और ये हो गया नीचे वाला। अब ये नीचे ही वाला ऊपर आना है ना, तो जब ये नीचे वाला ऊपर आएगा तो ये पहले ऐसे थोड़ी होगा कि मारियो की तरह पहले आगे जाएगा और उसके बाद ऊपर आएगा, नहीं ना, वो तो क्रस्ट है भाई, वो वहीं से ऐसे टूटेगा और टूटकर ऐसे ऊपर की तरफ आएगा। मतलब कहने का कि ये 90 डिग्री पर ऊपर नहीं आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये 60 डिग्री पर ऊपर की तरफ आ रहा है। यही मतलब है कि जो नीचे वाला पैंजिया है ये किस तरीके से ऊपर खिसकने लगा, इस तरीके से हल्का सा ये डायगनल में खिसकने लगा ऊपर की तरफ, ये 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है, समझ गया बात को। अब जब ये धीमे धीमे ऊपर आता रहता है और ऊपर आके लग जाता है ऊपर वाले पैंजिया से, जब ये ऊपर वाले पैंजिया से आके लग जाता है तो यहां पर नई जमीन की उत्पत्ति होती है। ऐसी जमीन की उत्पत्ति होती है जो कि आज आपको दिखती है, ठीक है, मतलब जो कि आज आपको मैप में दिखती है अर्थ के। और जब ये ऊपर आके पैंजिया मिलता है तो यहां पर इस तरीके की एक जमीन क्रिएट होती है, इसके नीचे एक ये जमीन लगती है। मतलब कहने का ये क्या बन गया, ये हमारा भारत बन गया, समझ गया क्या बन गया, ऊपर भारत बन गया, ये येलो कलर से आपको दिख रहा है मैंने जो बनाया है भारत, इसका मतलब ये है कि भारत का ये जो ऊपर वाला ये जो हिस्सा है ये किससे बना हुआ है, ये जो कर्व ये जो बना है ये नीचे वाले पैंजिया से ऊपर वाला पैंजिया टकराने की वजह से बना हुआ है। इसका एक और मतलब है कि भारत का कितना हिस्सा नीचे वाले पैंजिया से बना हुआ है, इसको समझो। तो यहां पर आपको दर्शाया गया है, इसको आप देखिए ध्यान से, आपको पता लगेगा कि भारत का ऊपर, अगर हम जेएनके वाला रीजन छोड़ दें, ठीक है, तो जेएनके वाला रीजन छोड़ के नीचे वाला ये जितना भी भारत है वो सब नीचे वाले पेंजिया से ऊपर की तरफ जाके मिला हुआ है। अब ये जो जेएनके वाला है और इस तरीके से आ रहा है, ये जेएनके वाला अरुणाचल प्रदेश की तरफ जा रहा है, ये पूरा हिस्सा ऐसा कर्व क्यों है और हिमालयन रेंजेस इसी में ऐसी क्यों है, क्योंकि यहीं से ये पेंजिया जुड़ा हुआ है। अब जब ये पेंजिया आकर ऐसे मिले दोनों, तो यहीं पर नीचे की तरफ से कुछ है और ऐसा रिएक्शन हुआ कि यहाँ पर ऊंची ऊंची चट्टाने बनना शुरू हो गई और ये और ऊंची होती चली गई और फिर ये इन्होंने विकराल रूप ले लिया और ये क्या बन गए, हिमालय बन गए। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, ऐसे नहीं हुआ, हुआ कैसे, अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल वे में समझते हैं और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। अभी तक हम लोग इसको वर्टिकली समझ रहे थे, अभी मैं आपको बोल रहा था कि नीचे वाला पेंजिया ऊपर की तरफ ऐसे आया और ऐसे आके लग गया, तो ठीक है, थ्योरी है सिंपली। अब इसको आप हॉरिजॉन्टल कर दो, मतलब कहने का कि बीच में जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है ये आपका ओशियन है, और कौन सा ओशियन है, टेथिस ओशियन है, वही टेथिस सागर। अब आप समझना, ये जो एशिया वाला हिस्सा है ये ऊपर वाला हिस्सा है, क्लियर, जो कि खिसक नहीं रहा है पेंजिया का, और ये जो इंडिया वाला हिस्सा है जो कि नीचे से ऊपर आके लगा है ये लगा हुआ है। आप लोग समझ पा रहे हो, जितने भी नए नए स्टूडेंट हैं समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कि ये वाला जो इंडिया वाला हिस्सा है, अभी तक मैंने जिसको नीचे से ऊपर खिसकाया था अब उसको मैंने बस ऐसे कर दिया, अब ये इधर से ऐसे आ रहा है, ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला पेंजिया है इसमें समझो, जो जिससे कि इंडिया वाला पूरा भाग बना हुआ है, ये वाला बासाल्ट क्रस्ट का बना हुआ था, किसका बना हुआ है, बासाल्ट के क्रस्ट का, और इसका जो एशिया वाला जो ऊपर वाला पेंजिया का जो क्रस्ट है वो ग्रेनाइट का क्रस्ट बना हुआ है। बासाल्ट और ग्रेनाइट में भारी होता है बासाल्ट, ग्रेनाइट आपका हल्का होता है, बात आगे समझ, बासाल्ट भारी होता है हमेशा, ग्रेनाइट हल्का होता है, इन दोनों में। अब ये दोनों क्रस्ट ऐसे हैं, अब समझते जाइएगा, ये भारत वाला क्रस्ट है, ठीक है, जिसपे कड़ा है ये भारत वाला क्रस्ट है, और जिसपे नहीं है कड़ा ये ऊपर एशिया वाला क्रस्ट है। अब ये भारत वाला क्रस्ट इसकी तरफ धीमे धीमे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और आते आते ऐसे आके टकरा गया। जब ये टकरा गया तो जाहिर सी बात है भारी क्रस्ट कौन सा है, बासाल्ट वाला क्रस्ट है ना, ये भारत वाला क्रस्ट भारी क्रस्ट है, तो जो चीज भारी होगी जाहिर सी बात है वो नीचे जाएगी, हमेशा हल्की चीज, हमेशा हल्की और भारी चीज के टकराव में हमेशा क्या होता है, जो हल्की चीज होती है वो ऊपर उठ जाएगी हमेशा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर कि एक सूमो पहलवान दौड़ते हुए आया और एक बच्चे से टकरा गया, बच्चा उछल के गिरेगा जाके, सूमो पहलवान वहीं खड़ा रहेगा। एक टाटा सफारी आके एक साइकिल वाले से अगर लड़ जाए तो साइकिल वाला उड़ेगा, एक ट्रेन अगर ट्रक से टक्कर हो जाए तो ट्रेन तो वहीं खड़ी रहेगी, ट्रक उछल के गिरेगा जाके। एग्जैक्टली इसी तरीके से ये जो आपका भारी वाला क्रस्ट है, बासाल्ट वाला क्रस्ट है, ये दोनों जब टकराते हैं तो बासाल्ट वाला क्रस्ट भारी है क्योंकि वो धीमे धीमे नीचे जाने लगता है। अब ये गाड़ियों की टक्कर नहीं है, ये लैंड की टक्कर है, और ये बहुत तेज स्पीड से नहीं हो रही है, ये एक कंटिन्यूस फोर्स लग रहा है। अब ये धीमे धीमे नीचे जाने लगता है, ये क्रस्ट नीचे जाता जाता है, जाता जाता है, जाता जाता है, और ऐसे चला जाता है नीचे, बात आ गई समझ। नीचे वाला क्रस्ट बासाल्ट, ऊपर वाला क्रस्ट क्या है, ग्रेनाइट। जब ये नीचे जाता है क्रस्ट, तो इसको आप ऐसे समझिए क्योंकि ये भी अपने आप में लैंड है, ये जितना भी ये ग्रीन वाला है ये सब नीचे चला गया, ये देखिए नीचे की तरफ फोर्स लगने लगा। और ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट में जाहिर सी बात है कई सारी वनस्पतियां हैं, मतलब पेड़ पौधे फूल पत्तियां ये सब कुछ है, मिनरल्स हैं इसमें, लोहा चांदी तांबा सोना सब कुछ है इसमें। जब ये खनिज लवण पानी के अंदर चले जाते हैं फिर से हजारों साल तक दबे रहने के बाद, ये धीमे धीमे अपनी प्रॉपर्टी लूज करते हैं, प्रॉपर्टी लूज करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, बात आ रही है समझ, ये पानी की तली में आना शुरू हो जाएंगे ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर की तरफ आएंगे
ऐसे समझिए, ये क्रस्ट नीचे था, इसके ऊपर वनस्पतियां हैं, ये वनस्पतियां इससे उठने लगी और उठ उठ के ऊपर की तरफ आ रही हैं, तो ये इस वाले पे ऊपर वाले ग्रेनाइट वाले क्रस्ट पे आके चिपकने लगती है, चिपकती हैं, इकट्ठा होती चली जाती हैं और ये बहुत बड़ा समूह बना लेती है। ये ऐसे अभी भी चिपक रही है और ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। इसमें आप देखिए पिक्चर में, मैं वही आपको समझा रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ लगातार फोर्स लगाती है। जब ये फोर्स लगाती है तो ये फोर्स लगने के बाद हजारों साल के बाद जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर बदलने लगता है। जब ये ऐसे है, अभी जमीन सीधी है, ध्यान रखिएगा, अभी ये जमीन सीधी है बिल्कुल, और नीचे से फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लगता जाता है, लगता जाता है, लगता जाता है, लगता जाता है, और ये सीधी जमीन टेढ़ी होती जाती है। ऐसे ये लगता गया फोर्स, लगता गया, लगता गया, लगता गया, और ये सीधी जमीन टेढ़ी हो गई आपके सामने, और ये ऐसे बन जाते हैं, ये ऐसा आकार ले लेते हैं, और इन्हीं को हम लोग माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। ये हमारे माउंटेन्स है ऐसे करके जो बने हुए हैं, आता ही समझ। इन्हीं में से पूरी दुनिया में कई सारे ऐसे माउंटेन्स बने, ओके, जिनके नीचे टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से एक सर्टेन टाइम के बाद ये इरप्ट हो गए, तभी इनको हम लोग वॉल्केनो के नाम से जानते हैं, ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर आज तक इतना नहीं बढ़ा कि वो इरप्ट हुए हो, लेकिन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो वो अपने आप में एक चट्टान की तरह, एक माउंटेन की तरह खड़े हुए हैं। ओके, तो इस तरीके से जाकर पूरी हिमालयन रेंज की हमारी उत्पत्ति हुई है। तभी आपने यहाँ पर देखा कि ये जो क्रस्ट था, यहाँ पर आप भारत के नक्शे को देखिए, ये देखिए भारत के नक्शे को दिख रहा है आप सभी को, भारत का नक्शा, ठीक है। अब इस नक्शे पे आप देखिए, ये जो इतना है ऊपर वाला, बस ये बना हुआ है पिछली क्रस्ट से, और बाकी का ये नीचे वाला, नीचे वाली क्रस्ट से आया हुआ है। तभी आप देखो कि हिमालयन रेंज भी जितनी है वो पूरे इसी सीक्वेंस में बनी हुई है, पूरे इस कर्व में बनी हुई है, पता की समझ। इस तरीके से हिमालयन रेंज की उत्पत्ति हुई है। यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब बात करते हैं सर, ये आपने, हाँ बिल्कुल, इन्हीं को यंग फोल्ड माउंटेन रेंजेस भी बोलते हैं। इनको यंग फोल्ड माउंटेन रेंजेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि आज भी ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। ओके, इनकी जो हाइट है, जो इनका एल्टीट्यूड है, ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिनकी वजह से इनको यंग फोल्ड माउंटेन रेंजेस बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान में जो अरावली की पहाड़ियां हैं, इनको हम लोग यंग फोल्ड माउंटेन रेंजेस नहीं बोलते हैं, ये मैच्योर रेंजेस है। इनमें जरा सी भी ग्रोथ नहीं है, इनमें 0% ग्रोथ है, इनमें कोई ग्रोथ नहीं बची हुई है। ये दुनिया की सबसे पहाड़ियां, सबसे पुरानी पहाड़ियां बोली जाती है। लेकिन जो आपकी हिमालयन रेंज है, ये इनको यंग फोल्ड माउंटेन रेंज इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें आज भी ग्रोथ हो रही है। जैसे कि एवरेस्ट पहले 8,848 मीटर की थी, आज की डेट में वो 8,852 मीटर की है। ओके, पहले कुछ टाइम पहले 50 की हो गई थी, अब वो 52 की हो गई है, लगातार बढ़ती चली जा रही है। मतलब देखते ही देखते पिछले 10 साल में 10 मीटर की ग्रोथ, सॉरी 4 मीटर की ग्रोथ हो गई। तो 4 मीटर की ग्रोथ यार कम नहीं है, 4 मीटर का मतलब समझ रहे हो, 4 मीटर का मतलब समझ रहे हो, करीब करीब 2.5 आदमी हो गए, 2.5 आदमी की लेंथ हो गई, बहुत होती है इतनी, क्लियर। तो इस तरीके से ये फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से लगातार हाइट से बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो ग्रोथ हो रही है ये किस तरीके से हो रही है, ये भारत है, ये जो फोर्स है ऊपर, ये आपकी येलो वाली हिमालयन रेंज है। ये जो फोर्स है आपका, ये ऐसे लग रहा है फोर्स, ये 90 डिग्री पे तो फोर्स लग नहीं रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हिमालयन रेंजेस कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, तो हमेशा आप ध्यान रखना ये ईस्ट की तरफ बढ़ रही है, टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ ये फोर्स लग रहा है, ना ही ये नॉर्थ की तरफ ऊपर फोर्स लग रहा है, वेस्ट की तरफ तो बिल्कुल ही नहीं है, और ना ही साउथ की तरफ है, ये ईस्ट की तरफ लग रहा है फोर्स। यही रीजन है कि सबसे ज्यादा जो आपको ग्रोथ देखने को मिलती है वो आपको इस एरिया में देखने को मिलती है, यहाँ पर, और इसी एरिया में आपको पता है कंचनजंगा है, यहीं पर अन्नपूर्णा रेंज है, यहीं पर आपकी मकालू है, यहीं पर माउंट एवरेस्ट है, ये सब इसी रेंज में है जहां पर एग्जैक्टली फोर्स लग रहा है। कभी आपने सुना है, आपने कतई नहीं सुना होगा कि ऊपर जांस्कर रेंज में आपको ग्रोथ देखने को मिली, या फिर कराकोरम में आपको ग्रोथ देखने को मिली है, नहीं सुना होगा, क्योंकि ये फोर्स 90 डिग्री पर है ही नहीं, फोर्स ये 60 डिग्री के आसपास का है। इस वजह से ये जो पूरी रेंज है यहां पर बेसिकली ये फोर्स लग रहा है, और इन्हीं की पहाड़ियों में हमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। समझ गए, कोई समस्या तो नहीं? ओके, नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल कह सकते हो आप इसको, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ही है वो, वैसे एक्चुअली देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट ही है, प्रॉपरली ईस्ट भी नहीं है। ओके सर, जांस्कर कराकोरम कहाँ है बेटा? जांस्कर कराकोरम आपका लद्दाख की तरफ है, ऊपर लद्दाख कश्मीर की तरफ, बिल्कुल टॉप पर है, अभी मैं बताऊंगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सर, प्रॉपर्टी लूज करके वो ऊपर कैसे आई। देखो ये सेम उसी तरीके से तुषार आ गई, जैसे कि आप ऐसे मान लो, आपने देखी है पानी के अंदर काई लग जाती है, काई आपने देखी है, काई जानते हो ना, ग्रीन कलर की होती है, देखी है ना, और टाइटैनिक नहीं आ पाया बेटा, ये 70 मिलियन साल पुरानी बात है, टाइटैनिक 1 मिलियन साल पुराना भी नहीं है। किसी भी चीज को ऊपर आने में टाइम लगता है, आपने पानी के अंदर काई देखी होगी,
काई को भी हम लोग वनस्पति में कंसीडर करते हैं ना, जब वनस्पति में उसको कंसीडर करते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो भी क्या करता है, प्रॉपर्टी लूज करता है ना। अब आप कहोगे सर समुद्र तल से, समुद्र तल से आपने कभी सोचा है कि ये जो काई है, ये जो अपनी प्रॉपर्टी लूज करती है वनस्पतियां, वो फिर कभी ऊपर क्यों नहीं आती हैं? कभी सोचा वो ऊपर क्यों नहीं आती? वो ऊपर क्यों नहीं आती? क्योंकि मछलियां उन्हें खा लेती हैं वहीं पर, वही तो मछलियों का भोजन है नीचे, वहां पे फिशेस के लिए, वही तो उनका हैबिटेट है। मछलियां उन्हें खा लेती हैं वो जो गंदगी होती है, काई की वो ऊपर नहीं आ पाती है, लेकिन वो आती है किसी और मैनर में, वो मछलियों की पॉटी बन के ऊपर आती है। बात आई समझ? प्रॉपर्टी लूज होती हुई आपको दिखेगी नहीं, इट इज रियल, प्रॉपर्टी लूज होती हुई आपको दिखेगी, बट आपको सर्टेन नहीं दिख सकती वो चीज। बात आ रही है समझ? क्योंकि ये 1-2 साल की ज्योग्राफिकल रिएक्शन नहीं है, ये 7 करोड़ साल की ज्योग्राफिकल रिएक्शन है, और 7 करोड़ साल की ज्योग्राफिकल रिएक्शन को देखने के लिए हम और आप बचेंगे ही नहीं, हम और आप उसे एक बार में देख ही नहीं पाओगे। बात आ रही है समझ क्या कहने का मतलब है मेरा? सीधा सीधा बस इतना सा कहने का मतलब है कि आप कह रहे हो फिर सर टाइटैनिक ऊपर क्यों नहीं आ पाया, टाइटैनिक को ऊपर आने के लिए एक सर्टेन टाइम चाहिए, वो टाइम देखने के लिए क्या हम लोग जिंदा रहेंगे 1 मिलियन साल तक? क्या हम लोग जिंदा रहेंगे? टाइटैनिक तो अभी 1 मिलियन साल भी पुराना नहीं है, अभी मुश्किल से कितने साल पुराना है टाइटैनिक? बात आ रही है समझ? टाइटैनिक तो 500 साल भी पुराना नहीं है। तो हर एक पार्टिकुलर थिंग को, कोई भी थिंग को, उसे अपनी प्रॉपर्टी लूज करने के लिए एक सर्टेन टाइम की जरूरत होती है। बात आ रही है समझ? टॉफी 2 मिनट में घुल जाती है, लोहा थोड़ी 2 मिनट में घुल जाएगा, लोहा थोड़ी घुल जाएगा 2 मिनट में। आप देखते हो रस्ट लग जाता है लोहे को पानी के अंदर, वो पूरा खोखला हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है इतना ठोस लोहा खोखला कैसे हो गया? जैसे ही खोखला हो जाता है वो, आप उसे हाथ से मोड़ देते हो, अरे आप ऐसे कर देते हो, झड़ने लगता है लोहा। कभी आपने सोचा ये क्या है? इसी को तो बोलते हैं प्रॉपर्टी लूज होना। जब तक वो प्रॉपर्टी लूज नहीं कर रहा है अपनी, तब तक आप भला उसे तोड़ लें? आप लोहे को नहीं तोड़ सकते। बात समझ आ रही क्या कहने का मतलब है? तो हर एक पर्टिकुलर कोई भी थिंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी लूज होने में टाइम लगता है, और लोहे से भी ज्यादा टाइम किसे और लगेगा? प्लास्टिक को लगता है। प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में कितना साल लग जाता है? प्लास्टिक को तो आप वैसे भी खत्म नहीं कर सकते। बात आ गई समझ? तो हर एक थिंग, हर एक मेटल, हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक अपनी प्रॉपर्टी लूज करने का उसका टाइम है। क्लियर? अभी आप देखोगे एक डेड बॉडी को, आप एक डेड बॉडी को आप दफना दीजिए, ओके, कितना टाइम लगेगा उसे डिस्ट्रॉय होने में, उसे खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से उसको खत्म होने में महीनों लगेंगे, महीनों मुश्किल से लगेंगे उसे खत्म होने में। बट आप प्लास्टिक को आप दफना दीजिए, क्या होगा? लोहे और प्लास्टिक को दफना दीजिए, लोहा पहले आपका खराब हो जाएगा, प्लास्टिक को तो और टाइम लगेगा, भूल ही जाइए, होगा ही नहीं जल्दी ऐसे। बता रही है समझ? ओके, तो हर एक की अपनी प्रॉपर्टी है। आप सोचो टाइटैनिक भी उसी तरीके से ऊपर आ जाए, ऐसे कैसे आ जाएगा भाई? लोहे का है भाई, आज की डेट में उसमें रस्ट लग चुका है, खत्म हो चुका है लगभग। तो ये मतलब है कहने का कि क्या आप उसे उतना टाइम दे पाओगे? खैर आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग बात करने जा रहे हैं रेंजेस की, हिमालयन रेंजेस की। पहले हिमालयन रेंजेस को आप समझिएगा। मैं काम करता हूं, नॉर्थ इंडिया ही बनाता हूं। ओके, यहां पर आप समझना थोड़ा सा कि किस तरह, आप लोग समझ गए ना, भारत देश की हम लोग जेएनके और लद्दाख की बात कर रहे हैं अभी। ओके, अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहली जो हमारी चोटियां हैं, हमने क्या किया है, हमने हिमालयन रेंजेस को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है। 4 हिस्से हैं हिमालय के। पहला हिस्सा ट्रांस हिमालय, दूसरा जो हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, तीसरा जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल हिमालय, और चौथा हिस्सा जो है, आखिरी हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक, शिवालिक हिमालय, या फिर इसी को हम लोग लेसर हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेसर हिमालय। अब समझिए, ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक, ये जो 4 आपके हिमालयन रेंजेस हैं, जिस जिस तरीके से हमने इसको 4 श्रेणियों में बांटा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से हैं। ट्रांस की चोटियां ये हैं, तो ग्रेटर की फिर ये हैं, तो मिडिल हिमालय की ये हैं, तो शिवालिक की ये हैं। अपने आप में एक तरीके का स्लोप है, ऊपर से नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो अपने आप में ये क्या है, स्लोप है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शिवा जो मिडिल हिमालय है उसकी चोटियां ग्रेटर से हमेशा नीचे ही होंगी, या फिर ग्रेटर की कोई भी चोटी ट्रांस से ऊंची नहीं है। मैं वो नहीं कह रहा, अगर ऐसा होता तो आपको बता दूं, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी ट्रांस हिमालय में नहीं है, वो ग्रेटर हिमालय में है, जिसको आप माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो क्या है? इनकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन ऐसी है, कंडीशन ऐसी है कि एक स्लोप में है। अभी नहीं समझे तो आप समझ जाओगे। आप इधर देखिए इसको, यहां पर मेरा कहने का मतलब यह है कि ट्रांस हिमालय आपका यहां पर है, इस लोकेशन पे ऊपर,
दिख रहा है जिसको मैंने रेड कर दिया है, और आपका जो ग्रेटर हिमालय है वो इस लोकेशन में पड़ता है जिसको मैंने ब्लू कर दिया। तो अपने आप स्लोप आ गया, हायरार्की आ गई, आपने देख लिया स्लोप आ गया। मैं इस स्लोप की बात कर रहा हूँ, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ग्रेटर हिमालय की चोटियां ट्रांस हिमालय से निचली होंगी, ऐसा नहीं है। इसकी तो चोटी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, इतनी ऊंची चोटी तो ट्रांस हिमालय में भी नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी इतनी हाइट पर बनी हुई है, इस वजह से ये अपने आप में एक स्लोप बना लेता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग चार तरीके की अपनी इन श्रेणियों की। पहली बात तो ये हो गई, अब इनको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक और अंतर है ध्यान रखना, ये जो आपका ट्रांस हिमालय है यहां पर लाइफ नहीं है, पहली चीज, देयर इज नो लाइफ। ये साल भर बर्फ से ढका रहता है, यहां पर कोई भी लाइफ नहीं है। बर्फ से ढका होने की वजह से यहां पर एग्रीकल्चर का कोई स्कोप नहीं है, और जब यहां पर एग्रीकल्चर का स्कोप नहीं है तो वैसे भी यहां पर हैबिटेट खत्म हो जाता है, मतलब लोग यहां पर नहीं रह सकते। इसके बाद ग्रेटर हिमालय, ये जो हमारा ग्रेटर हिमालय है ये भी साल भर बर्फ से ढका रहता है, इसी वजह से इसको हम लोग हिमाद्री के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब क्या है? हिम का मतलब होता है बर्फ, और आद्री का मतलब होता है आच्छादित, जो हमेशा आच्छादित रहा हो बर्फ से, मतलब जो हमेशा ढका रहा हो बर्फ से, इस वजह से इसको हिमाद्री बोलते हैं, किसको? ग्रेटर हिमालय को। अब आप कहोगे सर फिर ट्रांस हिमालय भी तो बर्फ से ढका रहता है, उसको हम लोग हिमाद्री क्यों नहीं बोलते हैं? उसको हम लोग इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि सही मायने में देखा जाए ना तो ट्रांस हिमालय को नहीं, हम मेनली ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक को ही हिमालय में कंसिडर करते हैं। ट्रांस हिमालय को हम अपने हिमालय में इसलिए कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई है, ट्रांस हिमालय पहले से ही मौजूद है उस एशिया वाले पेंजिया में, जो नीचे से हमारा पेंजिया आया है उसके मिलने की वजह से इन तीनों की उत्पत्ति हुई है, मतलब ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक की उत्पत्ति हुई है। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर हो रहा है सभी को मैं क्या कह रहा हूँ? ओके हाँ, तभी आप देखोगे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी में ये तीनों ही दिए रहते हैं, ट्रांस आपका नहीं दिया रहता। ओके, क्योंकि जो ट्रांस है वो पहले वाले पेंजिया में ही मौजूद है लेकिन इन तीनों की उत्पत्ति हुई है, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई, वो पहले से ही मौजूद है। इसके बाद ये जो मिडिल हिमालय है, मिडिल हिमालय आपको ध्यान रखना है, ये साल के आधे टाइम बर्फ से ढका रहता है और आधे टाइम बर्फ से नहीं ढका रहता है। यहाँ पर जो है जाहिर सी बात है कुछ एग्रीकल्चर का स्कोप है, कुछ क्रॉप्स प्रोडक्शन का स्कोप है, जैसे कि एप्पल की खेती होती है यहाँ पर, और बादाम हो गया, कैश्यूज हो गए, इन सब की खेती यहाँ पर होती है, मतलब सम एग्री स्कोप है यहाँ पर। और क्या लाइफ है यहाँ पर? यस, बट लिटिल बिट, इतना ज्यादा फ्लो नहीं है यहाँ पर लाइफ का। बट शिवालिक की बात करें तो शिवालिक आपकी सबसे निचली चोटियां हैं, हिमालय की सबसे निचली चोटियां। निचली चोटी होने की वजह से क्या यहाँ पर बर्फ रहती है? नहीं, यहाँ पर बर्फ नहीं रहती है। और इसी वजह से क्या यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है? जी हाँ, यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड है और यहाँ पर एग्रीकल्चर स्कोप भी है। एग्रीकल्चर स्कोप होने की वजह से जाहिर सी बात है, और बर्फ ना होने की वजह से लाइफ यहाँ पर स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से शिवालिक आपकी बेस्ट है, और अगर आप देख रहे हो कि लाइफ कहाँ पर नहीं है ट्रांस और ग्रेटर में, तो बिल्कुल भी लाइफ नहीं। अब खैर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग इन्हें देखेंगे और इनकी मेन चोटियों को देखेंगे, ट्रांस, ग्रेटर और मिडिल की चोटियों को देखेंगे एक एक करके पहले। जी हाँ, ये लेसर लिखा हुआ है, इसी को लेसर हिमालय भी बोलते हैं। सर नेपाल कौन से हिस्से में पड़ती है? अरे नेपाल इसी हिस्से में पड़ती है, नेपाल की उत्पत्ति ही आप मान सकते हो इसी से हुई है। ये देखिए, ये है ना नेपाल, ये है ना बिल्कुल बीचो बीच, लैंडलॉक्ड। तो नेपाल की उत्पत्ति ही इन्हीं चट्टानों के बीच से हुई है, हिमालयन रेंज के बीच से ही हुई है। अब सबसे पहले बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। देखिए ट्रांस हिमालय की जो आपकी चोटियां हैं, ये सबसे ऊपर की ये चोटियां हैं, यहां पर एक, दो, तीन और चार, इस तरीके से ये चार चोटियां हैं आपकी। बात आ गई समझ? ये इन चार चोटियों के नाम क्या है, जिनको भी मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, ये सारी ट्रांस हिमालय की चोटियां हैं। जो आपको ये दिख रही है, जो भी आपको चाइना की तरफ दिखे, ध्यान रखिएगा आप उसे याद रख सकते हो बहुत आराम से, ये लद्दाख है। ये कौन सी है? लद्दाख। ठीक है, जांस्कर आपकी कौन सी है? ठीक है, ये आपकी जांस्कर है। ओके, ये वाली आपकी काराकोरम है, ये जो पाकिस्तान की तरफ वाली है ये काराकोरम है। और ध्यान रखिएगा ये वाली आपकी कौन सी है, जो चाइना की तरफ जा रही है, ये कैलाश है। आप इसको ऐसे ध्यान रखिए कि कैलाश मानसरोवर इसी वजह से चाइना में है, यही चोटी आगे की तरफ चाइना में बढ़ती चली जाती है, तो आगे जाके ये माउंट कैलाश बन जाती है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहीं पर होती है। यहां तक किसी कोई समस्या तो नहीं? ऊपर की जो चार चोटियां आपको देखने को मिली है ये आपकी है ट्रांस हिमालय, इन्हीं से मिलकर आपका ट्रांस बना हुआ है, तो ब्लू कलर से मैं ट्रांस लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद देखिए जो भी आपकी चोटियां हैं, ट्रांस से नीचे आपका ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय की चोटियों को मैं लिखूंगा ऑरेंज कलर से, यहां पर समझिएगा। ग्रेटर हिमालय में जो आपकी सबसे पहली चोटी है, ये इस तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं ऐसे,
ओके, ग्रेटर की जो सबसे पहली चोटी है इसको किस नाम से जानते हैं? इसको नंगा पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंगा पर्वत। ओके, इसके बाद और जैसे ही आप थोड़ा नीचे आओगे तो हिमाचल प्रदेश के पास आके यहाँ पर आपको एक चोटी मिलेगी जिसको हम लोग बोलते हैं बंदरपुंच। क्या बोलते हैं? बंदरपुंच। कुछ लोग इसको बंदरपुंच भी बोलते हैं, आप भी कुछ भी बोल सकते हो, बंदरपुंच वैसे इसको बोलते हैं। ठीक है, हिमालयन से भी आप थोड़ा सा और नीचे आओगे, ठीक है, बंदरपुंच के नीचे आपको यहाँ पर हिमालय और उत्तराखंड के आपको बीच में मिल जाएगी नंदा देवी। यहाँ पर आपको कौन सी रेंज मिलेगी? नंदा देवी। नंदा देवी से और आप नीचे आइए, नंदा देवी से नीचे आपको अन्नपूर्णा मिलेगी, ये वाली अन्नपूर्णा। और नीचे आप जैसे ही आओगे तो अन्नपूर्णा से नीचे आपको मिलेगी यहाँ पर धौलागिरी। कौन सी मिलेगी? धौलागिरी। धौलागिरी, धौलागिरी से भी आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एक चोटी मिलेगी जिसको बोलते हैं मकालू। मकालू, मकालू पता है दुनिया की पांचवी सबसे ऊंची चोटी है, फिफ्थ हाईएस्ट। मकालू से भी आप जब नीचे आओगे तो आपको दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मिलती है, दिस इज कॉल्ड माउंट एवरेस्ट। आप देख रहे हो ये भारत के बाहर निकल गई माउंट एवरेस्ट, मतलब माउंट एवरेस्ट है कहाँ? नेपाल में पड़ती है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, भारत की सीमा रेखा से बाहर जा रही है माउंट एवरेस्ट, ये कहाँ पड़ती है? नेपाल में। और माउंट एवरेस्ट के भी नीचे सबसे आखिरी वाली देख लीजिए यहाँ पर। हाँ, वो ऊपर यूके के आसपास हल्का सा हो गया है, ये पहाड़ियां ऐसे हैं, ऐसे हैं, ठीक है, इनका कुछ हिस्सा भारत में है कुछ हिस्सा नेपाल में है, ध्यान रखिएगा। ये हर पहाड़ी ऐसी नहीं है कि पूरी ऐसे आए आपको लगे कि नंदा देवी भी तो बाहर निकाल दी, नहीं, वो केवल सर्कल मैंने वो इसलिए बना दिया है कि नीचे भी अब मुझे लिखना है, इस वजह से ऊपर मैंने खींच के थोड़ा सा लिखा हुआ है। इसके बाद ये जो सबसे लास्ट वाली है ये है आपकी कंचनजंगा। कंचनजंगा कोई समस्या तो नहीं यहां तक? ये आपकी जितना भी ऑरेंज कलर की हो गई दिस इज ग्रेटर हिमालय। अब इसके नीचे हम लोग ग्रीन से अपने बनाएंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं ग्रीन वाली। ये आपकी ग्रीन वाली है पूरी मिडिल हिमालय, ये मिडिल है, ठीक है। कैलाश को कोई नहीं चढ़ा, ये सही है क्या? कैलाश मानसरोवर की तो यात्रा कितने लोग कर चुके हैं, बट हाँ वो जो पीक है वो नहीं चढ़ा कोई, वो पीक है ही है ऐसी कि कोई नहीं चढ़ा है। हाँ, पीक नहीं चढ़ा कोई, कैलाश रेंज चढ़ चुके हैं, कैलाश मानसरोवर की जिसको यात्रा बोलते हैं, कैलाश आज तक नहीं जा पाया कोई। अब इसके बाद आगे आते हैं, देखिए ग्रीन वाले पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्रीन वाली आपकी चोटियां शुरू हो रही हैं ये आप देख रहे हो जेएनके वाले रीजन से शुरू हो रही हैं। वो आप जब भी देखोगे ना आप उसकी फोटो ही देख लीजिएगा, क्यों नहीं चढ़ पाया, उसकी चढ़ाई ऐसी है नहीं चढ़ पाया, वो जब आप चढ़ोगे तो वो ऐसी हो जाती है। और हाइट इतनी है ना, एक चीज और, पहली चीज तो ये है और ऊपर जाके ऐसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है, बताइए कहां से आप चढ़ पाओगे। दूसरी चीज, वहां पर जो आपकी लाइफ गैसेस हैं उनकी कमी है, आप जा ही नहीं पाओगे, आपको वहां पे घुटन होने लगेगी, दम आपका पहले ही घुटने लगेगा। साथ में ऐसा भी बोलते हैं कि वहां पर रेडिएशन है बहुत, वहां पर रेडिएशन है जिसकी वजह से आपका दिमाग और हार्ट सब चोक कर जाएगा वहां पे, इसके आगे कोई जा नहीं पाता है। हाँ जी, तो यहाँ पर सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं जेएनके से, तो जेएनके में सबसे पहली जो चोटी आपको मिलेगी ये मिलेगी पीर पंजाल। कौन सी मिलेगी? पीर पंजाल सबसे पहली आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद पीर पंजाल के बाद जो आपको चोटी मिलती है आप जैसे ही नीचे आओगे आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी धौलाधार। क्या नाम है? धौलाधार। ओके, और नीचे आइए धौलाधार से, जैसे ही आप धौलाधार से नीचे आओगे उत्तराखंड में, यहाँ पर आपको उत्तराखंड में कौन सी पहाड़ियां मिलेंगी? मसूरी की पहाड़ियां मिलेंगी, जिनको आप मसूरी हिल के नाम से जानते हो। जैसे आप और नीचे आओगे तो यहां पर आपको महाभारत की पहाड़ियां मिलेंगी, महाभारत। और नीचे आप आओगे तो आपको नाग त्रिभा मिलेगी। क्या मिलेगी? नाग त्रिभा। ओके, तो ये पांच आपको ध्यान रखनी है मेन पहाड़ियां है किसकी? मिडिल हिमालय की। तो यहां पर मैं ग्रीन से लिख भी देता हूँ, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स बनाने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका मिडिल हिमालय हो गया जी। हाँ, नोट्स बनाइए नहीं तो याद कैसे रहेगा आपको। देन आपका आ जाता है ये पर्पल कलर से जो मैं बना रहा हूँ, ये आपके आगे नीचे शिवालिक की पहाड़ियां, ये छोटी छोटी आपकी शिवालिक की पहाड़ियां आ गई। ओके, अब देखो ये जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, नाग त्रिभा दोबारा से, हाँ तो ये नाग त्रिभा और महाभारत ध्यान रखिए ये नेपाल के सामने की रेंज है, ये नेपाल और भारत बॉर्डर की रेंज है बिल्कुल। ओके जी, हाँ सारे याद करने पड़ेंगे, इसमें सारे मैंने बताई कितने हैं, इधर देखिए आपको पांच नीचे बताए हैं मैंने मिडिल में,
ऊपर चार बताए हुए हैं और इधर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 5 14 और 4 17 ही तो बताए हैं, पूरे 20 भी नहीं है। अब देखिए यहां पर ये जो सबसे नीचे है आपकी पहाड़ियां जो पर्पल कलर की है, ये आपकी शिवालिक की पहाड़ियां है। शिवालिक की पहाड़ियों के कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। इनकी नाम क्यों नहीं इनके रखे गए, क्योंकि इनमें कोई आपको पीक नहीं देखने को मिलेगी, बहुत ऊंची चोटी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि पहाड़ियां ही इतनी छोटी हैं। देखो नाम तब दिया जाता है जब वो अपने आप में एक चोटी होती है, खूब ऊंची अगर पीक है तो उसको नाम दे दिया जाता है, आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। क्योंकि इनकी चोटियां इतनी ऊंची नहीं है, इस वजह से ये पहाड़ियां जहां जहां भी जाती हैं वहां वहां पर जगह के नाम से इनका नाम रख दिया जाता है। बात आ रही है समझ? जैसे कि यही पहाड़ियां जब अरुणाचल प्रदेश में जाती हैं तो वहां पर एक जगह है जिसको मीरी बोलते हैं, तो वहां पर मीरी हिल इनको बोल दिया जाता है। जब ये नागालैंड में जाती हैं तो इनको नागा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जब ये एबर में जाती हैं तो इनको एबर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये जहां पर भी जाती हैं इनको वहीं की पहाड़ियां बोल दिया जाता है, क्योंकि इतनी हाइट नहीं है इनकी इन पहाड़ियों में। अब दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मेन इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान रखो। देखो यार क्वेश्चन यहाँ पर दो तरीके से बनते हैं, एक तो आपसे रेंज वाइज क्वेश्चन पूछता है और दूसरा आपसे स्टेट वाइज क्वेश्चन पूछेगा। रेंज वाइज जो आपसे क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछेगा, आपको चार ऑप्शन दे देगा, लाइक आपको एक ऑप्शन देगा बंदरपुंच, नंदा देवी, अन्नपूर्णा और पीर पंजाल, इन चारों में से आपसे पूछ देगा कौन सी ग्रेटर हिमालय की चोटी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हुआ, पीर पंजाल ग्रेटर हिमालय की चोटी नहीं है। जाहिर सी बात है अगर आपको पता होगा पीर पंजाल किसकी है, देखिए यहाँ पर मिडिल हिमालय की है। तो एक तो ये वाइज पूछता है, मतलब रेंज वाइज आपसे पूछेगा, या फिर आपको चार ऑप्शन देगा और बोलेगा इनमें से कौन सी, लाइक आपसे पूछ देगा मकालू, मकालू आपकी किसमें आती, चार ऑप्शन दे देगा ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक। आपको पता होना चाहिए मकालू आपकी आती कहाँ, ग्रेटर में आती है। पहला टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप आपसे ये पूछेगा, लाइक आपसे पूछेगा कि पीर पंजाल इनमें से कौन सी जगह पर या कौन से स्टेट में आती है। आपको चार ऑप्शन देगा, एक देगा उत्तर प्रदेश, एक देगा जम्मू कश्मीर, एक देगा लद्दाख और एक देगा हिमाचल प्रदेश। आपको लगाना होगा सही आंसर, जेएनके में आती है। बात आ रही है समझ? एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी पहाड़ियां हैं जिनका ज्यादातर हिस्सा चाइना में जाता है। आपको कराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश दे देगा। आपका आंसर क्या होगा, कैलाश होगा, माउंट कैलाश। कैलाश चाइना की तरफ सबसे ज्यादा टिल्टेड, उसका ज्यादातर हिस्सा चाइना में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से रीजन वाइज आपसे क्वेश्चन पूछेगा और रेंज वाइज क्वेश्चन पूछेगा। यहां तक किसी कोई समस्या तो नहीं, कोई भी समस्या तो नहीं किसी को? अब देखिए भारत का ये जो हमारा ऊपरी वाला ये जो हिस्सा है, यहां पर आपका पामीर प्लेटू आ जाता है। इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हाँ, मैं अभी उस बात पर आ रहा हूँ पवन, लास्ट रेंज ऑफ हिमालय इन ईस्ट, कहाँ वो खत्म हो रहा है। उससे पहले ये देखिए, भारत के जो ऊपर है, भारत का जो ऊपर ऊपरी हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड पामीर प्लेटू। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पामीर का पठार के नाम से जानते हैं। ये जो पामीर प्लेटू है, इससे दोनों तरफ, भारत के ऊपर की तरफ दोनों तरफ झोपड़ी की तरह ऐसे झुकी हुई पहाड़ियां हैं। इसी को संसार की छत बोला जाता है, इसी को भारत की छत भी बोला जाता है, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है पामीर प्लेटू। इससे एक पहाड़ियां ये इधर की तरफ निकली हुई है, चाइना की तरफ। इनको हम लोग बोलते हैं क्यूनलुन माउंटेन रेंजेस। क्या बोलते हैं? क्यूनलुन माउंटेन रेंजेस। ठीक है, ये आपका चाइना में चली जाती है। और इधर देखिए पामीर प्लेटू की तरफ से इस तरीके से भारत से होती हुई ये पहाड़ियां इधर की तरफ पाकिस्तान से होती हुई अफगानिस्तान की तरफ निकल जाती हैं। इनको हम लोग बोलते हैं हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस। क्या बोलते हैं? हिंदू कुश पर्वत या हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ? तो इस तरीके से आप देख रहे हो भारत के ऊपर पामीर प्लेटू और पामीर प्लेटू से ऐसे बनी हुई दोनों ये रेंजेस निकली हुई हैं। लेफ्ट में आपकी निकली हुई है हिंदू कुश वेस्ट की तरफ और राइट की तरफ निकली हुई है, मतलब ईस्ट की तरफ, क्यूनलुन माउंटेन रेंजेस। इनका पूछना है K2 किस पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज में आता है, कोई आंसर करेगा? K2 ट्रांस, ग्रेटर या किस में आता है? बिल्कुल सही, K2 आपका ट्रांस में आता है, क्योंकि K2 किसका हिस्सा है? K2 काराकोरम का हिस्सा है। अभी मैंने आपको यहां पर लिखा था ना काराकोरम, तो ये काराकोरम किधर की तरफ जा रहा है? वेस्ट की तरफ जा रहा है ना, पाकिस्तान की तरफ। तो ध्यान रखिएगा K2 काराकोरम का ही हिस्सा है। और K2 कहां पर आएगी आपकी? जहां पर ये नंगा पर्वत का नाम लिखा हुआ है, नंगा, ये जिसको मैं ये कर रहा हूं, ये मैंने व्हाइट ट्राइंगल जो बना दिया है, दिस इज K2, ये K2 है आपकी। इसी को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, समझ गया बात को? ओके, ईओके वाले रीजन में K2 जाएगा, बिल्कुल नोट कर लीजिए मैप में, मैप मैं इसी वजह से तो बनवा रहा हूं। ठीक है, अभी कोई समस्या तो नहीं किसी को? अब देखिए थोड़ा सा राइट की तरफ चलते हैं, मतलब ईस्ट की तरफ चलते हैं। तो जब आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो यहां पर आपको एक चीज समझनी चाहिए। यहाँ पर अब तो हम लोग सारी चीजों की बात कर चुके हैं, ऊपर हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने देखा ये हमारा रेड वाला हिस्सा ट्रांस हो गया, ये रेड वाला ट्रांस फैला हुआ है ऐसे। ओके, ट्रांस के नीचे आ जाइए, ये ब्लू वाला हमने देख लिया हमारा क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, ऐसे फैला हुआ है ब्लू। और ब्लू के बाद
ये देखिए ग्रीन वाला अभी हमने देख लिया, ये हमारा ग्रेटर के बाद ये हमारा मिडिल हो गया। आप देखिए बात करने वाले हैं, ये पर्पल कलर हमारा शिवालिक। देखिए शिवालिक की एक ये लाइन जा रही है, लाइन आप देख पा रहे हो, ये शिवालिक का रूट है, सबसे निचली पहाड़ियों का ऐसे जा रही है। इस लाइन को ट्रेस करते जाओ आगे निकल जाएगी, और ये ऐसे भी है, नीचे भी आ जाओ ऐसे। समझ गए शिवालिक का रूट क्या है, शिवालिक का रूट क्या है, सभी लोगों को क्लियर हुआ? इसको मैं थोड़ा डार्क करता हूँ ताकि और अच्छे से समझ रहे। ये आपकी शिवालिक है, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, आगे तक चली जाएंगी, और ये हल्की सी इधर ईस्टर्न रेंज में हमारी नीचे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि ये पूर्व में पहुंच चुकी है। मतलब इस एरिया में, हमारे पूर्वी एरिया में पहुंच चुकी है, सेवन सिस्टर वाले एरिया में फैली हुई है पूर्व में, इसी वजह से इन्हीं पहाड़ियों को पूर्वांचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब ये मत समझ लेना, अगर आपसे बोलेगा पूर्वांचल हिमालय कौन सा है तो पता लगा मिर्जापुर पहुंच जाओ। कलीन भैया बोलते हैं ना, पूरे पूर्वांचल पे हमारा हिस्सा होगा, हमारा कब्जा होगा, वो मत समझ लेना। पूर्वांचल का मतलब यहाँ पर पूर्वी राज्यों की बात हो रही है, ठीक है? हाँ, तो पता लगे गुड्डू बन जाओ मिस्टर पूर्वांचल, तो उत्तर प्रदेश में आएगा, मिर्जापुर की तरफ, वो नहीं है, ये दूसरा है, ठीक है? तो पहली चीज इसको पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, देखिए अभी मैंने आपको बोला था ये पहाड़ियां जहां पर भी जाती है इनको उन्हीं के नाम से जाना जाता है। जैसे कि देखिए ये आप रीजन देखिए, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश वाला ऊपर रीजन है, तो जब ये मिशिमी में जा रही है तो इनको मिशिमी की पहाड़ियां बोल दिया जा रहा है, मिशिमी हिल। जब ये एबर में जा रही है तो इनको एबर हिल बोल दिया जाता है, जब ये मीरी में जा रही है तो इनको मीरी हिल बोल दिया जाता है, जब ये डाफला में जा रही है तो इनको डाफला हिल बोल दिया जाता है, जब ये नीचे आ रही है देखिए नागालैंड में आ रही है तो इनको नागा हिल बोल दिया जाता है। ये जो जो से भी रीजन में जा रही है, हर रीजन में इनको उसी नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि विच वन इज द ईस्टर्न रेंज ऑफ हिमालय इन इंडिया, भारत में हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए आपके सामने लिखा हुआ है ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये सबसे पूर्वी है ना, यहीं से भारत खत्म हो जा रहा है। दिस इज कॉल्ड पतगोई बम। इसको मैं पहले क्लियर करता हूँ, आपके सामने लिखा भी है। इसी जगह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग पतगोई बम के नाम से जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पतगोई बम हिमालय की वो चोटी है जो कि भारत के आखिरी हिस्से में जाके खत्म होती है, या फिर हिमालय ईस्ट में कहां पे जाके खत्म होता है भारत में? पतगोई बम में जाके खत्म होता है। अब एक चीज और, इसके आगे ये आगे कहां तक जाती है? आगे ये तिब्बत तक जाती है, और तिब्बत में ये कहां पे जाके खत्म होती है? बिल्कुल सही शुक्ला, मंजीत, दोनों के आंसर सही है। इसको बोलते हैं नामचा बरुआ। क्या बोलते हैं? नामचा बरुआ। तो आगे जाके नामचा बरुआ में खत्म हो जाती है। मतलब कहने का कि पूर्व में हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरुआ। अगर बोला जाए भारत में सबसे पूर्वी चोटी हिमालय की कौन सी है, तो आंसर होगा पतगोई बम। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? अगर आपसे पूछता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर होगा क्या? भारत की सबसे ऊंची चोटी बताइए। ध्यान रखिएगा K2। अगर आपसे पूछे भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आंसर क्या होगा? कंचनजंगा। दोनों अंतर है, वही गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला हिसाब किताब है भैया, इधर देख लो। विच वन इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। विच वन इज द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, मतलब भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। क्योंकि गंगा की जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर है, और यह भारत में ही बहती है, 90% भारत में बहती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है इसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर टोटल देखें तो। लेकिन अगर देखा जाए ये भारत में कितनी बहती है ब्रह्मपुत्र, तो 2900 में से सिर्फ 900 ये भारत में बहती है, बाकी 2000 किलोमीटर चाइना में बहती है। समझ गए? इस वजह से जब पूछेगा भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर होगा गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। अब सेम यहां पर देख लीजिए, तो चोटियों की बात कर रहे हैं, ऑफ भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है? भले ही अभी ये एक्सिस इंडिया में ना हो जहां पर भारत का एक्सिस नहीं है, ठीक है, अगर आपसे पूछे भारत में सबसे, मतलब इनकी बात कर रहा है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आंसर होगा कंचनजंगा। कंचनजंगा मतलब K2 भारत के बाहर बोल रहे हैं। मैंने क्या बोला, हिंदी नहीं आती है, इंडिया एक्सेस बोला मैंने, इंडिया एक्सेस में नहीं है, हिंदी नहीं आती है। पीओके का मतलब क्या है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का मतलब समझ रहे हैं क्या है? भारत का एक्सेस नहीं है, भारत का एक्सेस नहीं है। हाँ ओके, तो पीओके में है K2, ध्यान रखिए। तो इस वजह से की जब बात होगी तो K2, जब इनकी बात होगी इंडिया। ओके, अब आगे यहां पर देखिएगा एक चीज और, कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि लाइक आपसे एल्टीट्यूड वाइज भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? जब आपसे एल्टीट्यूड वाइज क्वेश्चन पूछेगा तब आपको थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लाइक
जैसे कि सबसे ज्यादा जो आपके एल्टीट्यूड पूछता है वो आपके ग्रेटर हिमालय की चोटियों के पूछेगा, आपसे नंदा देवी का पूछ देता है और बंदरपुंज का पूछ देगा, मकालू का पूछ देता है, माउंट एवरेस्ट की तो आपसे नहीं पूछेगा, इतना इजी आपसे नहीं पूछेगा, कंचनजंगा की पूछ देगा, K2 की ऊंचाई आपसे पूछ देगा, ये सब आपसे पूछेगा। तो एल्टीट्यूड वाइज कम से कम K2 की जो चोटियां हैं, ठीक है, इनका एल्टीट्यूड आपको ध्यान रखना है, नहीं तो समस्या हो जाएगी। तो ये जितना भी आपका ऑरेंज वाला हिस्सा है इसकी पूरी चोटियों का एल्टीट्यूड आपको ध्यान रखना है। ये एल्टीट्यूड मैं आपको लिखाऊंगा एक अलग तरीके से, ओके, एक टेबल बनवा के मैं आपको लिखाऊंगा, जब कॉन्टिनेंट का लिखाऊंगा तब उस डेटा में आपको लिखाऊंगा। आज के बाद यहीं तक रखेंगे, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर। आज शाम को स्पेशल क्लास है करंट अफेयर की, जिसको भी रिवाइज करने हो आ जाना, रात में 9:30 से 10:30। बाय एवरीवन, टेक केयर। सर ट्विटर पे कुछ टिप्पणी, कहाँ तो शुक्ला जी, आई थिंक आप लेट आए थे, वही कह रहा था, देखो कोशिश है कि गर्मी ना पड़े, मैं आऊंगा तो फिर गर्मी पड़ जाएगी ट्विटर पे इसलिए रुका हुआ हूँ, नहीं आ रहा हूँ ट्विटर पे। हाँ हालात भी ठीक नहीं है, कुछ कह नहीं सकते यार किसी का, कुछ समझ रहे हो ना, बोला तो सबने, चलो आता हूँ, खैर मैं।